अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। चिकन मंचूरियन तो आप सबने खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेजिटेबल हांडी मंचूरियन। मैंने ये काफ़ी टाइम पहले एक रेस्टोरेंट में खाया था और मुझे ये काफ़ी डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी लगी, तो मैंने आज सोचा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आधा कप बिल्कुल बारीक कटा हुआ मैं शिमला मिर्च लूँगी, एक कप बिल्कुल भर के मैं लूँगी बारीक कटी हुई बंद गोभी, एक कप मैंने कद्दूकस की हुई गाजरें ली हैं, लेकिन मैं आधा कप डाल रही हूँ, ये सारी ज़रूरत नहीं है। मैं आधा कप गाजरें डालूँगी बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन मैं इसमें डालूँगी, 3 हरी प्याज थी जो तकरीबन 1 कप के बराबर बनी है, तो मैं आधी यहाँ पे डालूँगी, आधी मैं रोक लूँगी, वो हम बाद में डालेंगे। और ये वाइट वाला पार्ट जो 3 हरी प्याज दी थी उसी का वाइट वाला पार्ट मैं थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा सा मैंने रोक लिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। इन सारी सब्जियों के हमें बॉल्स बनाने हैं, तो हमें इनको बाइंड करने के लिए 3.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी मैदा, ताकि इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो सके। ठीक है, ये 2 टेबल स्पून मैदा चला गया। अब इसमें किसी किस्म के पानी की ज़रूरत नहीं है, सब्जियों का अपना इसमें जितना भी पानी निकलेगा उसी से इसमें बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। अब हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, आप जब मिक्स करेंगे तो सब्जियों में से खुद ही पानी निकलता रहेगा। ठीक है, पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पानी आपने नहीं डालना वरना ये गीला हो जाएगा, इसमें बाइंडिंग जो है ना फिर नहीं आ पाएगी। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये थोड़ा सा भुरभुरा हो रहा है और इसके बॉल जो हैं मेरे ख्याल से सही से नहीं बनेंगे, तो इसमें मैं मज़ीद 1 टेबल स्पून डालूंगी मैदा, क्योंकि हमें मिक्सचर ऐसा चाहिए कि जब हम इसके बॉल्स बनाएं तो सब्जियां जो हैं वो गिरे नहीं, टूटे नहीं, भुरभुरी ना हो, जब हम इसके बॉल्स बनाएं तो वो इजीली बन जाए। तो ये देखें ये अब बॉल बहुत आराम से बन रहा है और सब्जियां टूट नहीं रही हैं, तो मेरे हिसाब से इतना मैदा ठीक था। अगर आपको ज़रूरत पड़े और आपको लग रहा हो कि ये बॉल सही नहीं बनेगा तो आप इसमें डाल सकते हैं मैदा मज़ीद। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ठीक है। और अब मैंने क्या किया है, हाथों को अच्छे से धो लिया है, हाथों को धो लें वरना फिर बॉल सही नहीं बनेगा। और उसके बाद जी हमने हाथों को ग्रीस करना है, हाथ गंदे होंगे तो फिर ये सारा मिक्सचर आपके साथ चिपकेगा और फिर बॉल बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाथ साफ़ सुथरे हों, हाथों को ग्रीस करें और बॉल बनाना स्टार्ट करें, तो ये देखें बहुत आराम से इस तरह से बॉल्स बन जाएंगे। कुछ लोग अंडे का यूज़ करते हैं बाइंडिंग के लिए, लेकिन मुझे अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये वैसे ही बहुत बेहतरीन सा बाइंड हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हमने सारे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। ये हो गया, ये सारे बॉल्स हमारे तैयार हो गए हैं और इसका काम ख़त्म हो गया है। इसको साइड पे रखेंगे, कुकिंग स्टार्ट करेंगे। क्या करना है जी, सबसे पहले इनको फ्राई करना है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने आँच को मीडियम करना है और उसके बाद ये बॉल्स डालना स्टार्ट करने हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना फ़ौरन से कलर आ जाएगा और ऊपर से ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे और आँच तेज़ भी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारे के सारे बॉल्स हम इसमें डालेंगे एक एक करके। ठीक है, इस तरह से हमने सारे बॉल्स इसमें डालने हैं। अब यहाँ पे हमने चम्मच नहीं चलाना है, 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, फ्राई होने दें। जब ये सेट हो जाए तो फिर आपने इसको इस तरह से उलट पुलट लेना है ताकि हर तरफ से अच्छा सा बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ जाए। ठीक है, हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है मीडियम आँच पे, तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें ये बड़ा बेहतरीन सा जैसे पकौड़ों पे कलर आता है बिल्कुल वैसा ही बड़ा बेहतरीन सा कलर आ गया है। तो इस तरह से ये सारे के सारे बॉल्स जो हैं हम निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, मैंने एक रेस्टोरेंट में ये रेसिपी जो है वो ट्राई की थी, मुझे बहुत मज़े की लगी तो सोचा क्यों ना आपके साथ ट्राई करूं। तो ये सारे बॉल्स फ्राई हो गए हैं, इनको साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पे इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन इधर जाएगा और अब हमने इसको फ्राई करना है। बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे कि लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, बस हमने इसको कलर नहीं देना है। अब यहाँ पे देखें मैंने 2 मिनट इसको फ्राई किया है, बड़े बेहतरीन लहसुन की खुशबू आई है, लेकिन इस पर कलर हमने नहीं आने दिया है। अब मैंने इसमें 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज क्यूब्स में कटा हुआ। ठीक है, अब 1 से 2 मिनट हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट मीडियम आँच पर फ्राई करेंगे। अब इसमें बाकी की जो चीज़ें जाएंगी, 1 टेबल स्पून चिली हॉट सॉस जाएगा, 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस। ठीक है, इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद सिरका। ठीक है, अब हमने इन सारे सॉसेस के साथ इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट मज़ीद मैं इसको फ्राई करूंगी और फिर हमने इसमें डालने हैं बाकी की चीज़ें।
ठीक है, ये हो गया। अब इसमें डालूंगी मैं हाफ कप केचप। ठीक है, कुछ लोग इसमें चीनी डालते हैं, आजकल केचप वैसे बहुत मीठा आ रहा है, तो मैं इसमें चीनी नहीं डालूंगी। केचप से इसमें अच्छी खासी मिठास आ जाएगी। 2 मिनट हम मज़ीद इसको मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं, कुक हो जाएं। अब मैं इसमें डालूंगी 3 कप पानी। अगर आपके पास यखनी है तो बहुत अच्छी बात है, आपने 3 कप यहाँ पे यखनी डालनी है। मेरे पास यखनी नहीं है, मैं उसकी जगह पानी डालूंगी। और हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर। अब ये जो हरी प्याज थी उसका वाइट वाला पार्ट जो थोड़ा बहुत बचा था, ये हम सारा का सारा डाल देंगे। अब आँच को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट और इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए, ये बड़ा बेहतरीन इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसको गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली ना हो। और फिर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से सारा नहीं डालूंगी, ऐसा ना हो कि ये बहुत गाढ़ा हो जाए। आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ, मिक्स करते जाएँ, जहाँ पर आपको लगे कि ये इतना गाढ़ा ठीक है, फिर आपने हाथ रोक लेना है। मेरे हिसाब से ये सारा का सारा जाएगा। आपने इसको जितना भी गाढ़ा रखना हो आप अपने हिसाब से इसको गाढ़ा रख सकते हैं। ठीक है, हाफ टी स्पून मैं कुटी हुई काली मिर्च इसमें डाल रही हूँ। और ये जो हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट था, ये मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी यहाँ पे, थोड़ा सा हम आखिर के लिए गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे, क्योंकि आपने इसको जितना भी गाढ़ा रखना है आपने इसको इसी पॉइंट पे गाढ़ा करना है, बाद में हमने इसको गाढ़ा नहीं करना है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसमें बिल्कुल एंड में डालूंगी ये जो हमने मज़ेदार से बॉल्स तैयार किए थे वेजिटेबल्स, ये हम इसमें सारे के सारे डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर चुकी हूँ, अब इसको हमने और नहीं पकाना। तभी मैंने कहा था आपने सॉस को जितना भी गाढ़ा रखना हो आपने पहले रखना है, उसके बाद आपने इसको नहीं पकाना है। तो ये बस अब तैयार है, चूल्हा हम पहले ही बंद कर चुके थे और अब हम इसको सर्व करेंगे। हम इसको हांडी में ही सर्व करेंगे और इसका ढक्कन हटाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारा गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ हांडी मंचूरियन, वो भी वेजिटेबल हांडी मंचूरियन तैयार है। और मैं इसको मिट्टी की प्लेट में ही सर्व करने वाली हूँ, क्योंकि ये हांडी वेजिटेबल मंचूरियन है। तो ये देखिए, बहुत ही यमी सी रेसिपी है। और आखिर में मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी प्याज इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये मज़ेदार वेजिटेबल मंचूरियन आप चिकन फ्राइड राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, सिर्फ वेजिटेबल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हर तरह से आपको बहुत मज़े का लगने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना।